रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं माहम लोहड़ी फूड सीक्रेट में आपको वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए मैं मटर कीमे की स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आपने इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखना है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास 1 किलो कीमा है, इसको मैंने फ्रीज कर लिया हुआ था। साथ मेरे पास 2 टमाटर हैं और 1 कप मेरे पास पानी का है। और ये 1 किलो मेरे पास मटर है, ये भी मैंने फ्रीज़ कर लिए हुए थे। किसी भी टाइम आपको अर्जेंट चाहिए हो तो या तो इस वजह से मैंने फ्रीज़ कर लिए हुए थे। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास 4 अदद प्याज थे नॉर्मल साइज़ के, मैंने इनको भी काट लिया था। 2 जवे मेरे पास ये लहसुन के थे, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने अदरक इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। ये 3 से 4 मिर्चें थी मेरे पास, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया। और ये मेरे पास धनिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप पानी डाल देंगे पतीले के अंदर, इसके बाद हमारा ये सारा कीमा चला जाएगा इसके अंदर। अब ये लहसुन चला जाएगा सारा। अब हमारा प्याज चला जाएगा इस तरह से। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर नमक चला जाएगा। 1 टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर चला जाएगा, क्योंकि साथ मेरे पास ग्रीन मिर्चें भी हैं। और अब इसमें हल्दी चली जाएगी 1 टीस्पून। इस तरह से ये हल्दी भी चली गई इसके अंदर। तो दोस्तों, ये 2 अदद अब हमारे टमाटर चले जाएंगे। ये फ्रीज हुए हुए थे इसलिए मैंने इनके सिर्फ छिलके उतारे हैं और इनको मैंने ऐसे ही पतीले के अंदर रख दिया। तो दोस्तों, आधे घंटे के लिए हमने अपनी पतीली को चूल्हे के ऊपर रख दिया। जब सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम अपने उसको अच्छी तरह से भून के तो फिर इसके अंदर हम अपने मटर ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पानी अच्छी तरह से हुचक हो चुका है कीमे के अंदर से। तो मैंने इसके अंदर 1/2 कप ऑयल का डाल दिया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके ऊपर मैं अपना अदरक जो मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, ये इस तरह से मैं डाल दूँगी। सारे का सारा मैंने डाल दिया। तो दोस्तों, अभी इसको मैं अच्छी तरह से 2 मिनट भून लूँगी अपने कीमे को, उसके अंदर मैं मटर ऐड कर दूँगी। तो दोस्तों, ये मैंने इसको 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया कीमे को। अब इसके अंदर मैं अपने सारे मटर ऐड कर लूँगी। इस तरह से मैंने मटर भी ऐड कर लिया। अब इन सब ये इस तरह से मैंने इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये दोस्तों बहुत ही मज़ेदार मटर कीमा, आलू कीमा या सादा कीमा आप बना सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये आपने देखा ना, कुछ ज़्यादा इसको मैंने टाइम नहीं दिया ना, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। ये इस तरह से आपका कीमा बन जाएगा जल्दी जल्दी से। कीमा तो अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है और ये मैंने इसके अंदर मटर ऐड किया है। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पर रख दूंगी ताकि मेरे मटर भी अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं आपसे 20 मिनट के बाद मिलूंगी। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया, मटर अच्छी तरह से गल गए हैं। तो मैं ऊपर धनिया गार्निश कर दूंगी इस तरह से, और साथ ही मैं इसके ऊपर मिर्चें भी गार्निश कर दूंगी। मैंने ऑलरेडी मिर्चें पहले से अंदर डाल ली हुई हैं, ये इस तरह से मैंने गार्निश कर। तो ये इस तरह से हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मटर कीमा। इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इसको डिश आउट कर लिया, तो अब मैं ये अपने भाई को टेस्ट करवाऊंगी। दोस्तों, मुझे मटर कीमा बहुत पसंद है, यकीनन आपको भी बहुत पसंद होगा। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये कैसा बना है। शक्ल से तो बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा प्लेट में निकाल लेता हूँ। ये शक्ल से तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार मटर कीमा बना। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जिंदाबाद माहम भाजी। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मटर कीमा बहुत ज़बरदस्त बना है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये मटर कीमे वाली रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।